In this part of lecture, we shall talk on interdisciplinary and multidisciplinary knowledge. As we have explained in the beginning, that the emergence of knowledge, जब विज्ञान की शाखाएं निकलती हैं, तो शाखा को निकाल के फिर एक वृक्ष बना दिया जाता है, और इसी तरह से नॉलेज का एक्सपेंशन होता है. फिर अभी हमने अप्लाइड नॉलेज के एक्सप्लेनेशन के क्रम में देखा कि इसके बेसिक सिद्धांत के इसके बेसिक सिद्धांत को निकाल के की मदद से कुछ और कार्य हम करते हैं, तो उसको अप्लाइड डाला. उसी तरह का एक कंसेप्ट है इंटर एंड मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, जो नॉलेज ऐसा जो इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर का है. सो वी शैल टॉक ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज. ए मोर रिसेंट अप्रोच इज टू यूटिलाइज वन डिसिप्लिन और सेवरल डिसिप्लिन्स एज ए सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम. कही अभी हमने चर्चा की थी. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज दैट टाइप ऑफ अप्रोच इन विच वन डिसिप्लिन सर्व्स एज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर विथ रिलेटेड डिसिप्लिन्स सर्विंग एज वाइटल एडजंक्ट एट सप्लीमेंटेड टू द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर. मतलब एक कोई कंसेप्ट, एक कोई डिसिप्लिन जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर है के सपोर्ट को पिलर बना के बाकी दूसरे पार्ट ऑफ नॉलेज को लेकर हम एक नया नॉलेज का जो ब्रांच इमर्ज करते हैं, नया कंसेप्ट इमर्ज करते हैं, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी है. मतलब एक डिसिप्लिन नहीं, दो डिसिप्लिन नहीं, कई डिसिप्लिन. The structure of economics discipline might form the skeleton. Skeleton, ढांचा. ये biological word है, आप जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ ढांचा नहीं है. ये base कहाँ से लिया? Economics से. Concepts from the other social sciences would be utilized to flesh. उस पर flesh out करेंगे, मतलब मांस वगैरह उसको बनाएंगे, structure करेंगे, उसको cover up करेंगे. So concepts from the other social sciences would be utilized to flesh out the skeleton and to enrich both the study of social sciences and also the study of economics. मतलब economics का concept लिया, social science का concepts लिया, और इस दोनों के concepts के different parts को मिला के एक नया concept बनाया. So a multidisciplinary approach occurs when a structure of concepts are selected from various disciplines to create a new field of study. मतलब कई सारे फील्ड की मदद से एक नया फील्ड जब हम डेवलप करते हैं, तो दैट इज ए अप्रोच दैट इज बीइंग नोन एज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच प्रोवाइड्स अस द मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज. द न्यू फील्ड रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरमिंगलिंग द अब्स्ट्रैक्टेड कंसेप्ट्स and is independent of the separate disciplines from which it was formed. मतलब कई डिसिप्लिन से मिलकर यद्यपि ये बना है, लेकिन इसका अपना एक अलग प्रकार है, इसका अपना एक स्वरूप है. As for example, the area of environmental education requires the use of biology, geography, geology, chemistry, physics, education, etc. मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज हुआ, मल्टी डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज हुआ, और इस इमर्जेंस के क्रम में उसने कई लोगों या कई डिसिप्लिन के कंसेप्ट को यूज में लिया, और वो कौन कौन है? बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एजुकेशन. सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल लें, द एरिया ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, ये भी एक नया ब्रांच नॉलेज का हमारे पास इमर्ज किया है, रिक्वायर्स द यूज ऑफ बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड सो ऑन. मतलब इन सारे विषयों या डिसिप्लिन की मदद से हमने एक नया डिसिप्लिन इमर्ज किया पॉपुलेशन एजुकेशन का, और पॉपुलेशन एजुकेशन का जो कंटेंट है, जो कंपोनेंट है, वो कैसे तैयार किया? तो इन लोगों की सहायता से किया.
सो इतने सारे डिसिप्लिन को मिला के एक डिसिप्लिन बना दिया, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर डिसिप्लिन. सो देयर आर मेनी अदर एरियाज विच आर मल्टी डिसिप्लिनरी इन द नेचर, लाइक होम इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशल बायोलॉजी एक्सेट्रा. सो वी हैव कंसेप्ट लाइक इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी. ये मोर रिसेंट अप्रोच, जैसा कि हमने शुरू कहा कि यह सब डिसिप्लिन है, तो एक तो इंटरडिसिप्लिनरी है. तो दैट टाइप ऑफ अप्रोच इन विच द डिसिप्लिन सर्व्स एज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर, विच रिलेट्स डिसिप्लिन सर्व एज वाइटल एडजंक्ट एट सप्लीमेंट टू द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर. इसकी चर्चा हम लोगों ने की, इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल लिया, स्केल्टन की बात की, और फिर मल्टी डिसिप्लिनरी पे आए. सो देर इज डिफरेंस बिटवीन इंटर डिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी. कई डिसिप्लिन और इंटर डिसिप्लिनरी में फोकस एक चीज का है, और फिर कंसेप्ट्स फ्रॉम अदर सोशल साइंसेज वुड बी यूटिलाइज्ड टू फ्लेश आउट द स्केल्टन एंड इनरिच द बोथ स्टडी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ऑल्सो द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. यद्यपि थोड़ी सी चर्चा हमने यहाँ की दूसरे पार्ट में भी, एजुकेशन के रेस्पेक्ट में इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी दोनों कैसे है इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम लोग डिसिप्लिन कंसेप्ट को पढ़ेंगे वहाँ काफ़ी विस्तार से इन इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के डिफरेंस को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे बाई हैविंग सर्टेन पैरामीटर्स. सो हियर वी आर जस्ट टू टेल दैट देर इज ए कंसेप्ट ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड देर इज ए कंसेप्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर.